हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया एक रेसिपी ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ गेहूं का रोल वाला नाश्ता बनाने, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। प्लीज़ आप लोग को भी पसंद आएंगे। तो चलिए हम लोग रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 300 से 400 ग्राम के लगभग आटे लिए हैं, जिसको मैं घी डाल करके, 1 से 2 चम्मच घी डाल करके और आधी चम्मच के लगभग नमक डाल करके इसे मैं मिक्स कर लूँगी और आटे गूँथ लूँगी। इधर मैंने आलू कटे हुए लिए हैं, इसमें मैंने हल्दी पहले से ही ऐड कर लिया, आधी चम्मच के लगभग हल्दी मिलाकर अभी ऐड कर लें। जीरा उसको फ्राई भूनने के लिए, टमाटर छोटी वाली टमाटर मैंने एक लिए हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। छोटी सी एक प्याज लिए, उसको भी कट कर लें। चिली है, ग्रीन चिली का यूज करें। ये दो और चिली मैंने लिए हैं। अगर आप तीखा अधिक पसंद करते हो तो आप, एक्चुअली ये बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए मैंने एक चिली का यूज किया है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं या आपके बच्चे पसंद कर रहे हो तो आप दो चिली ले सकते हैं। टोमेटो सॉस है का मैंने 2 पाउच लिए हैं, छोटा वाला। अब तो मैं चलती हूँ कढ़ाई गर्म करने। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग सरसों तेल यूज किए हैं। छोटी वाली चम्मच से आप भी यूज कर लें। तेल गरम हो चुके हैं, मैं इसमें अब जीरा ऐड करूंगी। आप देख सकते हैं मैंने जीरे इसमें ऐड करने जा रहे हैं। ये लगभग आधी चम्मच के लगभग मैंने जीरे लिए हैं, इसे आप ऐड कर ले और इसको अच्छे से भून लेते। इसमें मैंने 1 मिर्च डाल दी है। ये जब तरकने लगेंगे, अच्छे से तरक जाएंगे, तो आप इसमें ओनियन डाल दें। ओनियन जो हल्का सा भून गया, और मैं इसमें टमाटर डालकर और आधी चम्मच से कम मैंने मिट्टी नमक डाल दिए हैं और इसे मिला लूँगी। आप देख सकते हैं इसमें मैं आलू भी डाल करके भून कर लूँगी। और ये अचारी मसाला है, इसमें ऑलरेडी नमक पहले से डाला हुआ है, इसलिए मैंने नमक का यूज़ कम किया। इसमें चिली पाउडर भी डाला रहता है, सारी मसाले इसमें यूज हैं। जीरा पाउडर लिया इसमें, अब इसमें मैं मिक्स कर लूँगी। मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ती हूँ गैस में। आप देख सकते हैं मैंने आटे को रेस्ट पे रखे थे गूंथ करके, अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट करके, और इधर पैन मैंने गर्म कर लिए हैं। इसमें 1 चम्मच के लगभग आप रिफाइन डालें। रिफाइन मैंने यहाँ अभी घी का यूज कर रही हूँ। घी में पराठे बहुत ही टेस्टी होते हैं, रोल पराठे। देख सकते हैं ये गर्म हो रहे हैं, तब तक मैं इधर लोई बना करके इसको अच्छे से बेल लूँगी। थोड़े थोड़े आटे लगा करके आप भी इसी तरह बेल लें। थोड़ा सा मोटा ही बेलें इसे, देख सकते हैं। पैन में इसे डाल करके 1 चम्मच रिफाइन के लगभग मैं डाल दी और इसे हल्का सा सीख ले। आप देख सकते हैं ये हल्का सीख चुके हैं। अब मैं इस पर हल्का सा रिफाइन लगा के, रिफाइन में घी लगा करके, देख सकते हैं इसी तरह आप भी सेक ले। इसके ऊपर मैं जो रोल के लिए मैं फिलिंग तैयार की थी उसे आप थोड़ा सा रख करके इसको ऐसे डाल दें और थोड़ा सा ऐड करें। देख सकते हैं इस तरफ से हल्का सा सीख चुका है। हम इसे फोल्ड करें ऐसे, देख सकते हैं। इसमें आप भी फोल्ड कर लें, ये बच्चों को बहुत ही अधिक पसंद आते हैं। इस तरह इसको फोल्ड करते हैं, लेकिन अच्छे से सीख लें। दोनों तरफ से लगा लगा करके आप भी हल्का लो रखे। आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट तैयार हो चुके हैं। प्लीज़ आप लोग भी अपने बच्चों के लिए बनाएं और इन्जॉय करें। सच मानिए अभी ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी होता है। लंच में आप बच्चों को दीजिए, हस्बैंड को दीजिए, आपको बहुत ही तारीफ करेंगे और उंगलियाँ चाट चाट करके खाएँगे। ये आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं बच्चों को और सफ़र में भी लेकर जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रहा, इसमें सब्जी की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी मैंने आप लोग को दिखाने के लिए मैं 2 चटनी का इस्तेमाल की हूँ, चिली और
मैंगो की चटनी है ये। धन्यवाद आप।